तो ये है मेरा ब्रांड न्यू हायर कंपनी का विंडो एसी, और मैं आपको बताऊंगा आज इस विंडो एसी के डायमेंशंस के बारे में कि आपके घर के विंडो पे ये विंडो एसी सेट हो पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको इसका डायमेंशन जरूर पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानविंद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक क्लोनिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वाले एयर कंडीशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो इस पे सबसे पहले हम मेजर करेंगे इसके हाइट को, क्योंकि विंडो में जब भी कटआउट करना होगा तो हाइट जरूरी है और ये लेंथ जरूरी है। तो यहां से मैं मेजर कर रहा हूं, यहां पे मैंने लगा दिया अपना फीता बिल्कुल कॉर्नर पे, यहां पे मैंने लगा दिया, और इसको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए यहां पे मुड़ रहा है, ये अराउंड 16.7 इंचेस का है। जी हाँ, यानी इसकी हाइट है 16.5 से थोड़ी सी ज़्यादा। अगर आप बात करो राउंड फिगर की, तो आप 17 इंच हाइट अपना मेज़र करके चलिएगा। कम से कम आपके विंडो में 17 इंच का जो हाइट है वो 17 इंच का कटआउट होना ही चाहिए। अब बात करेंगे हम इसके लेंथ के, मेजर करेंगे। लेंथ मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं इसको, और फिर यहाँ से हम इस लेंथ को मेजर करते हुए दिखाएंगे आपको कि इसका जो लेंथ है वो पड़ेगा अराउंड 26 इंचेज। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें मैं इंच में बता रहा हूँ क्योंकि इंच में ही मेजरमेंट करते हैं हम एयर कंडीशन के डायमेंशन की। तो यहाँ पे आपको 26 इंच का मेजरमेंट देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे इसके लेंथ इसके डेप्थ की, यानी ये कितना गहरा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आगे की तरफ लगाएंगे इसे, और यहाँ से लेके, और आप पीछे की तरफ आ जाइए बिल्कुल कॉर्नर तक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आइए पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 29 इंचेस का आपको डेप्थ देखने को मिल जाएगा। तो ये था एयर कंडीशन का डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी एयर कंडीशन लेने जाओगे तो ये डायमेंशन अपने दिमाग में सेट रखिएगा। और हाँ फ्रेंड, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इसके आउटर पैनल का डायमेंशन होता है यही। हम ये अंदर का जो ये कंप्रेसर वाला एरिया, ये पूरा बाहर आ जाता है, और ये पहले इसको हम सेट करते हैं, उसके बाद इस पे कंप्रेसर को अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसका ही मेजरमेंट हमें लेना होता है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी एयर कंडीशन आता है, यहाँ तो मेरे पास हायर कंपनी का एयर कंडीशन है, आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। यहाँ पे हायर कंपनी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग है। तो मेरा तो ये हायर कंपनी का एयर कंडीशन है जो कि बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बहुत रिसर्च के बाद मैंने खरीदा है। बट किसी भी कंपनी का आप अगर एयर कंडीशन लेते हो, LG का नया वाला ब्रांड छोड़कर, तो सारे के सारे 1.5 टन के जो AC हैं उसका जो डायमेंशन है वो लगभग इतना ही होता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ, ये 1.5 टन का एयर कंडीशन है, विंडो AC है और 3-स्टार है। और यहाँ पे अगर आप 1 टन का लेते हो तो लगभग 1.5 से 2 इंचेस डायमेंशन थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और अगर 2 टन का लेते हो तो थोड़े से डायमेंशन 2-3 इंचेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो मेरे पास सामने अवेलेबल था, मैं उसका प्रैक्टिकली डायमेंशन चेक करके आपको बता दिया है। तो बस आज की वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर खरीदना चाहते हो यार, खरीदने वाले हो तो उसी लिंक से खरीदिएगा, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।